हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं अप्लाई करने वाली हूँ अपने फेस पे D10 की क्रीम, जो मैंने कहा था कि मैं उसको खुद अपने फेस पे अप्लाई करके दिखाऊंगी। तो ये वाली क्रीम थी और ये मैंने अप्लाई भी की थी नेक्स्ट व्लॉग में, जिसने नहीं देखा देख लेना। तो ये वाली क्रीम है, प्रमोशन नहीं है कोई, जस्ट मैं आपको एक रिव्यू दे रही हूँ इस क्रीम का। तो मैं ये वाली भी क्रीम अपने फेस पर यूज़ करने वाली हूँ। पहले मैं इसको खोल के दिखाती हूँ और ये देखो विटामिन सी की है। इसको मैं खोलती हूँ पहले। सबसे पहले हमें ये यूज़ करना है, ये है क्लिंजर, इस पर लिखा पड़ा है और इसके पीछे भी हमें फुल डिटेल दिया है कि कैसे कैसे हमें यूज़ करना है, अप्लाई करना है फेस पे। तो ये सब आप पहले पढ़ लेना, उसके बाद अपने फेस पे अप्लाई करना। तो सबसे पहले मैं ये वाला यूज़ करूँगी, उसके क्लिंजर यूज़ होगा, उसके बाद क्रीम यूज़ होगी, उसके बाद होगा स्क्रब, उसके बाद सीधा पैक होगा, उसके बाद ये एलोवेरा जेल, फिर ये यूज़ करना है। तो मतलब स्टेप बाय स्टेप यूज़ होगा। तो मैं अपने फेस पे कुछ नहीं लगाती, तो जस्ट ही आप लोगों के लिए ही मैं अपने फेस पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ, ठीक है। तो इसका रिव्यू जो भी होगा, जैसा होगा, आप खुद मेरे फेस पे देखना जो ग्लो आएगा। और रियलिटी में मैंने जब फेशियल किया था अपनी मम्मी का, तो ग्लो आया था बहुत अच्छा खासा। तो मैं अब अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। तो सबसे पहले अपना फेस अच्छे से साफ़ कर लेना है, जैसे मैंने कर लिया, नहा के बैठ गया मैं अब वीडियो बनाने। तो सबसे पहले मैं अपना क्लिंजर यूज़ करूँगी। और एक बात, और एक सॉफ्ट कपड़ा लेना है, सॉफ्ट मैंने हैंकी लिया अपना सॉफ्ट, और उसको अच्छे से मतलब पानी में डाल के ना, ठंडे पानी में सोक अपने ऐसे साफ करना है, मतलब जो भी हम लगाएंगे सोफ करना अच्छे से। तो मैं अभी इसको बाउल में रख देती हूँ अंदर। तो सबसे पहले मैं यूज़ करती हूँ क्लिंजर। तो ये क्लिंजर लिखा और ये कुछ जेली टाइप में होता है। तो मैं अभी इसे अप्लाई करती हूँ अपने फेस पे। तो देखते रहना कि मैं कैसे कैसे इसको फेशियल अपना करूँगी फेस में, ठीक है। I could be your love, baby, love me so hard. You could be my love.
मैंने ये सारी चीज़ें अपने फेस पे अप्लाई कर ली। एलोवेरा जेल लगाया था लास्ट में और उसको भी मैंने 5 मिनट बाद साफ़ कर दिया, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा जेली टाइप में क्रीम जैसा नहीं था, इसलिए मैंने इसको साफ़ कर लिया। और अभी तो इतनी जल्दी कोई ग्लो नहीं आएगा और ऐसा लग रहा है अभी मेरा फेस, और इसका अभी मेरे आने वाले व्लॉग में पता चलेगा मेरा फेस देख के कि भाई ग्लो आया है फेस पे या नहीं आया है। वैसे अभी देख लो अगर देख के लग रहा हो तो। और जिसने मुझे जहाँ पे मेरी खुद की रील्स आती है, यार ऐसे दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे मेरी खुद की रील्स आती है, देख सकते हो इट्स प्रियू व्लॉगर के नाम से, तो फॉलो कर लो मेरे को दोनों आईडियो में जल्दी से, और लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ जल्दी चेक करो। बहुत जल्दी एक बहुत मस्त व्लॉग आने वाला है, तो दिवाली से पहले मैं व्लॉग अपलोड कर दूंगी, और वाला व्लॉग देख के मुझे बताना अगर कोई किसी ने परचेज़ किया है, ईजिली परचेज़ हो जाएगी क्रीम, किसी ने परचेज़ किया है तो भी मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके बताना कि फेस में ग्लो आया है या नहीं आया, क्योंकि ये विटामिन सी की है अच्छी वाली, और एलोवेरा जेल वगैरह सब है इसमें, तो परचेज़ करना और लगा के देखना, फेशियल करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लेना, तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।